एक कॉलेज में एक हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, वो बहुत ही अच्छा इतिहास पढ़ाते थे जिसकी वजह से उनका क्लास हमेशा ही फुल रहता था। वो स्टूडेंट को इतनी अच्छी तरह से समझाते थे कि स्टूडेंट उनका सिखाया हुआ जल्दी भूलता नहीं था और उनका हर एक स्टूडेंट हिस्ट्री के एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास होता था और इसी कारण वो कॉलेज में काफ़ी लोकप्रिय थे। उसी कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम राहुल था और राहुल ही एकमात्र स्टूडेंट था जो उस वक्त हिस्ट्री में फेल हुआ था, वो भी बहुत बुरी तरह से। बाकी सब बच्चे पास हो गए और सिर्फ राहुल फेल हुआ। इस बात का जब प्रोफेसर को पता चला तो उन्होंने इस फेलियर के बारे में राहुल से पर्सनली बात किया और पूछा, तुम फेल कैसे हुए? राहुल सिर्फ झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा, पर प्रोफेसर के जोर देने पर उसने बोला कि सर मैंने पढ़ाई नहीं किया, इस वजह से फेल हो गया। तब प्रोफेसर ने पूछा कि तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की? राहुल की एक बात अच्छी थी कि वो कभी झूठ नहीं बोलता था, इसलिए उसने अपने फेलियर की वजह प्रोफेसर को सच बताया। उसने बताया कि वो घंटों पढ़ाई करने की जगह घंटों पोर्न देखता था, क्लास में भी माइंड में सिर्फ पोर्न का ख्याल चलता था जिसकी वजह से पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया। उसने साफ साफ प्रोफेसर को बताया कि सर मैं पोर्न का आदी हो गया हूँ और मैं जब तक पोर्न ना देखूँ तब तक मुझे चैन नहीं मिलता है। मैं जानता हूँ कि ये एडिक्शन मेरे लिए अच्छा नहीं है, पर मैं क्या करूँ सर, मैं इस लत से छुटकारा नहीं पा पा रहा हूँ। मैंने कई बार ट्राई भी किया इस लत को छोड़ने का, परंतु कुछ ही टाइम में ये लत मेरे ऊपर फिर से हावी हो जाती है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे कई बार खुद पर गुस्सा भी आता है, पर मैं खुद को इस लत से आज़ाद कराने में असमर्थ पाता हूँ। प्रोफेसर ने राहुल की बातों को गंभीरता से सुना और राहुल को कहा, अरे राहुल, इसमें इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? इस एज में सेक्सुअल एक्टिविटी एक नौजवान के लिए आम बात है और आज के टाइम में हर जगह पे अश्लीलता ही है, तो तुम इससे कैसे भाग सकते हो? इसलिए ना ही तुम्हें खुद पर गुस्सा करना चाहिए और ना ही निराश होना चाहिए, बल्कि खुद को थोड़ा वक्त दो इस एडिक्शन से बाहर आने के लिए। पोर्न की लत को तुम छोड़ सकते हो क्योंकि तुम कुछ भी कर सकते हो। एक स्टूडेंट को अपने एग्जाम में सिर्फ सफलता ही नहीं फेलियर भी मिलता है, पर उसके सामने इस फेलियर के बाद और भी मौके होते हैं जिसमें वो अच्छे से मेहनत करके पास हो सकता है। उसी तरह अगर तुम इस एडिक्शन को छोड़ने में नाकामयाब हुए हो तो तुम्हारे पास और भी मौके हैं कामयाब होने के लिए। तुम इस लत को हरा सकते हो, बस तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। तुम्हें खुद को यकीन दिलाना होगा कि इस एडिक्शन को अगर तुम पकड़ सकते हो तो इस एडिक्शन को तुम छोड़ भी सकते हो। जब तुम सोचते हो कि मैं इस लत को नहीं छोड़ पाऊंगा, तब ये दर्शाता है कि तुम्हें अब खुद पर भरोसा नहीं है और इसी वजह से तुम उस तरह का प्रयास नहीं कर पाते हो जिस प्रयास में भरपूर शक्ति हो। इसलिए ये मत सोचो कि मैं इस लत को नहीं छोड़ पाऊंगा, बल्कि ये सोचो कि मैं पोर्न को हराऊंगा। जब तुम किसी को हराने के लिए सोचते हो तब तुम्हारी जीत की भूख बढ़ जाती है जिसकी वजह से तुम्हारी जीत की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए पोर्न एडिक्शन से हारने के लिए नहीं बल्कि इसे हराने के लिए कदम बढ़ाओ। राहुल, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम इस लत को हरा दोगे और हर कोई इस पोर्न की लत को हरा सकता है, बस उसे जरूरत है ठान लेने की। जो कोई इस लत को हराने की ठानेगा वो इस लत को जरूर हरा देगा। प्रोफेसर की बात सुनकर राहुल में आत्मविश्वास एक बार पुनर्जागृत हो गया था। अब वो बहुत उत्साहित नजर आ रहा था और प्रोफेसर से कहा कि सर, आपने जो मेरा हिम्मत बढ़ाया है उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने मुझे यकीन दिलाया है, अब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं इस पोर्न को जरूर हराऊंगा। जब तक मैं इस लत से जीतूंगा नहीं तब तक हार नहीं मानूंगा और हाँ, मैं आपको हिस्ट्री के एग्जाम में भी अच्छे नंबरों से पास होकर दिखाऊंगा। प्रोफेसर राहुल का बढ़ा हुआ आत्मविश्वास देखे काफी खुश हुए और कहा, विजयी भव। दोस्तों, पोर्न एडिक्शन से हार मत मानो, हार मानना ही असली परेशानी की वजह है। जब तुम इस एडिक्शन से हार नहीं मानोगे तो तुम्हें इस एडिक्शन से परेशानी भी नहीं होगी। इसलिए जिन लोगों ने भी पोर्न एडिक्शन से हार मान लिया है उन्हें फिर से उठना होगा, फिर से कोशिश करना होगा इस लत को दूर करने के लिए। राहुल ने भी इस लत से हार मान लिया था, पर प्रोफेसर की बातों से प्रेरित होकर वो फिर से खड़ा हुआ और इस लत को हराने का मन बनाया। अब वो पोर्न के बारे में परेशान होकर नहीं सोचता, बल्कि उसने अपना माइंडसेट ऐसा कर लिया था जिसमें पोर्न एडिक्शन उसके लिए बन गया था एक खेल जिसमें कभी वो जीतता तो कभी पोर्न। जब कभी भी वो इस एडिक्शन को छोड़ने में फेल होता था तब वो फिर से कोशिश करता था। धीरे धीरे वो पोर्न के खिलाफ हर बाजी जीतने लगा और महीने महीनों तक खुद को पोर्न से दूर रखने में कामयाब होने लगा। कुछ महीनों के बाद राहुल का रिजल्ट आया और वो इस बार टॉप 10 बेस्ट स्टूडेंट में शामिल था। उसने सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाए
और उसने खुद का ही ज्योग्राफी बदल दिया। राहुल बहुत खुश था इस बात से कि उसने पूर्ण को हरा दिया और दिल से शुक्रिया बोल रहा था अपने प्रोफेसर को। ऐसा नहीं था कि अब राहुल का मन पूर्ण देखने का नहीं कर रहा था। कभी कभी उसके मन में सेक्सुअल थॉट आते थे और पूर्ण का ख्याल भी आता था, पर अब उसने खुद को पूर्ण नहीं देखने का आदि बना दिया था और यही वजह थी कि वो पूर्ण से जीत गया था। उसकी जीत की वजह एक सोच थी और वो सोच थी, मैं पूर्ण को हराऊंगा। इसलिए अब बारी है आपकी। अगर आपको भी लगी है पूर्ण की लत, तो परेशान मत होइए, बल्कि तैयार हो जाइए और ठान लीजिए कि मैं पूर्ण को हराऊंगा, जरूर हराऊंगा।